हेलो दोस्तों, मैं गुंजन कुमार स्वागत करता हूं IIST कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के फ्री ऑनलाइन कंप्यूटर एजुकेशन योजना में। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान समय में सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, गूगल इत्यादि कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिसकी मदद से आज प्रत्येक बच्चा मोबाइल में तो एक्सपर्ट हो ही गया है, साथ ही साथ कंप्यूटर में भी वो एक्सपर्ट हो गए हैं। मगर समस्या उस वक्त आती है जब आपको कोई फॉर्म भरना पड़ता है। मेरे कहने का इशारा डायरेक्ट सर्टिफिकेट पे जा रहा है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपके पास तो भरपूर नॉलेज है, परंतु उस नॉलेज की कोई पहचान नहीं है। तो दोस्तों, मुझे यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि IIST के द्वारा आपके लिए इस तरह का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है जिसके अंतर्गत आपको आपके ज्ञान का एक पहचान मिल सके, आपको एक प्रमाण पत्र मिल सके। इस योजना के तहत आपको एडमिशन लेना है, दिए गए एग्ज़ाम डेट में परीक्षा देना है, और यदि आप परीक्षा में पास हो जाते हैं तो आपको हमारे संस्थान की तरफ से एक प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा जिसे आप किसी भी क्षेत्र में प्रयोग में ला सकते हैं। इतना ही नहीं, वैसे बच्चे जो एक साथ बहुत सारे कोर्स करना चाहते हैं वे भी एक साथ कर सकते हैं। मेरा कहने का अर्थ है कि यदि आप ADCA करना चाह रहे हैं, साथ में C++ करना चाहें, साथ में टैली प्राइम करना चाहें, आप किसी भी तरह का कोर्स अगर साथ में भी करना चाहें तो साथ में भी कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले हम एक कोर्स कर लें, उसके बाद दूसरा कोर्स करें, उसके बाद तीसरा कोर्स करें, ऐसी कोई बात नहीं है। आप एक साथ एक से अधिक जो भी कोर्स करना चाहें कर सकते हैं। एक और बात, वैसे बच्चे जिनके पास कंप्यूटर की कोई भी नॉलेज नहीं है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया यदि आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है तो आप क्या करेंगे, लेकिन मैं अब आपको बताने वाला हूँ यदि आपके पास कंप्यूटर का कोई भी नॉलेज नहीं है, वे बच्चे भी इस योजना के अंतर्गत एडमिशन ले करके अपने उज्ज्वल भविष्य को सुनिश्चित कर सकते हैं। उनके पढ़ाई के लिए हमारे वेबसाइट में सीधी एवं सरल भाषा में कुछ स्टडी मटेरियल्स डाले गए हैं। आप उस स्टडी मटेरियल की मदद लेकर के घर बैठे ही पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपको स्टडी मटेरियल से भी अच्छे ढंग से समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आपके लिए हमने इंडिया के टॉप मोस्ट ट्यूटर्स का जो रेफरेंशियल वीडियो है उसकी भी हमने आपको व्यवस्था की रखी है। आप अपने पढ़ाई के लिए उनकी भी मदद ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी वीडियो रेफरेंसेस आपको दिए जाएंगे वे आपके ही क्षेत्रीय भाषा में रहेंगे। मेरा कहने का अर्थ है हिंदी भाषी हिंदी में वीडियो देख सकते हैं, तमिल, तेलुगु, मराठी, उड़िया, आप किसी भी राज्य से क्यों ना हो, आप हमारे रेफरेंशियल वीडियो की मदद से अपने ज्ञान का अधूरे भंडार को काफ़ी ज़्यादा विकसित कर सकते हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की है, जल्द से जल्द हमारे वेबसाइट में जाइए और आप जितना कोर्स में इनरोलमेंट लेना चाहें इनरोलमेंट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप अपने दोस्तों को भी इनरोलमेंट करने के लिए प्रेरित कीजिए। धन्यवाद। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको आपके ID के अंतर्गत स्टडी मटेरियल मिल जाते हैं और उस स्टडी मटेरियल से आप जो भी पढ़ाई करना चाहे वो पढ़ाई कर सकते हैं। उतना ही नहीं, आपको हमारे तरफ से रेफरेंशियल वीडियोज़ भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप वो रेफरेंशियल वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपने अभी अभी डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि DEO इस कोर्स के लिए नामांकन किया है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ यदि आप इस कोर्स से संबंधित रेफरेंशियल वीडियो देखना चाहते हैं तो वो आप कैसे देखेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर YouTube खोलना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने भी YouTube खोल के रखा हुआ है। यहाँ पर ये जो सर्च बार है, ठीक है ना, इस सर्च बार में आपको टाइप करना है डाटा एंट्री ऑपरेटर फुल कोर्स। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, पढ़ाई की कोई सीमा नहीं है और पढ़ाई की कोई बाध्यता नहीं है। मेरा कहने का अर्थ है कि आप जिस भाषा में चाहें उस भाषा में पढ़ाई कर सकते हैं, मतलब हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मराठी, मलयालम, आप जिस भाषा में चाहें आप उस भाषा में पढ़ाई कर सकते हैं।
आपका मेन मकसद होना चाहिए कि आपका जो नॉलेज है उसका विकास हो सके। जैसे मान लिया जाए कि आप हिंदी में पढ़ाई करना चाहते हैं तो वो लैंग्वेज आप यहाँ पे डाल दीजिए। कैसे, देखिए यहाँ पर आपको लिखना है इन हिंदी। उसी तरह से अगर आप तमिल में पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख दीजिए इन तमिल। मतलब आप जो भी लैंग्वेज में स्टडी करना चाहते हैं आप वो लैंग्वेज यहाँ पे डालिए, और उसके बाद आप यहाँ पे टाइप कीजिए प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट जैसे ही आप टाइप करेंगे, ठीक है ना, उसके बाद आपको इंटर बटन दबाना है। जब आप इंटर बटन दबाएंगे तो आप देखेंगे क्या कि डाटा एंट्री से रिलेटेड जितने भी कोर्सेस होते हैं, ठीक है ना, वो सारे कोर्सेस का जो वीडियो है, ठीक है, उनका प्लेलिस्ट यहाँ पे आपको नजर आएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, वैसा प्लेलिस्ट छांटना है। ठीक है ना, मेरी बातों को आप ध्यान से समझिए। आपको एक एनालिसिस करना है, विश्लेषण करना है। क्या विश्लेषण करना है, तो वैसा प्लेलिस्ट छांटना है जिसका व्यूज जो है वो काफी अच्छा हो, जिसका रिव्यूज अच्छा हो, जिसका पढ़ाने का शैली अच्छा हो, और जिससे आपके ज्ञान में विकास हो सके। तो चलिए मान लिया जाए कि मुझे ये वाला बेहतर लग रहा है, ठीक है ना। जो भी आप देख लीजिए, यहाँ पे मेरी कोई बाउंडेशन नहीं है, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। ये तो आपको एनालाइज करना है कि आप कौन सा देखना चाहते हैं, ठीक है ना। तो जो भी प्लेलिस्ट आपको अच्छा लगे आप उसके ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखिएगा क्या कि जितने भी उस प्लेलिस्ट के अंदर में वीडियो है वो सारा वीडियो यहाँ पे आपका नजर आएगा। डे वन, डे टू, या फिर वीडियो वन, वीडियो टू, वीडियो थ्री, ऐसे करके सारे वीडियोज यहाँ पे आपको नजर आने लगेंगे। आपको क्या करना है कि अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा समय निकालना है और हर दिन थोड़ा 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 करके, लेकिन सारा वीडियो को आपको प्रॉपर देखना है। मतलब कुछ इस तरह से देखना है आपको वीडियो कि आप उस वीडियो से अपने ज्ञान के भंडार को पूरा भर सके, आप पूरा एक्सपर्ट हो जाए, इतना सारा आप वीडियो देखिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने जो अभी जानकारी दी है वो जानकारी आपके लिए काफ़ी बेहतर सिद्ध होगी। तो चलिए मैं गुंजन आपसे अनुमति लेना चाहूँगा, मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।